आई डेफिनेटली लुक टू सी कि रिग्रेसिव ना हो फिल्म या कहानी, कि पीछे मुड़ के देखने वाली, इतनी कंजर्वेटिव के जो पहले था वो ही सब ग्रेट था, वो इस तरह की बातें करने वाली फिल्म मैं नहीं करूँगी, चाहे मुझे भूखों मरना पड़े, मैं ऐसी चीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक समाज को जहाँ हैं हम उससे आगे की सोचनी चाहिए, आगे की देखनी चाहिए, जो पीछे हुआ है उसका उसकी बुनियाद पे हम काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, मगर ये जो गोल्डन एज के पीछे पड़े हुए हैं, उफ़ तौबा। मेरी मौसी एक बहुत अच्छी बात कहती थी कि इंडियाज गोल्डन एज इज़ स्टिल टू कम, मैं ये बात मान के चलती हूँ कि इंडियाज गोल्डन एज विल कम, ये जो पहले हुआ था वो गोल्डन एज नहीं कह सकते, जिस सोसाइटी में आधी सोसाइटी औरतें, उनको ऐसे दबा के रखा जाए वो कैसे गोल्डन एज हो सकती है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द गोल्डन एज दैट विल कम। क्या बात है, तो मुझे ये भी जानना था, जब आपने गोल्डन एज की बात की, बदलते सिनेमा की बात कर रही हैं, और कई बार बहुत छोटी छोटी सी बातों को, आपने भी कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिसमें विवाद खड़े हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, तो ये बदलता सिनेमा है, बदलते दर्शक हैं, है क्या चीज़, क्यों छोटी छोटी बातों पे, मान लो अभी हालिया बदलता समाज है, हाँ चाहे समाज, हाँ पठान की बात करें, या मान लीजिए मतलब कलर की बात हो रही है, अश्लील कपड़े, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे फॉर एग्जांपल व्हेन वी डिड लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, वो बहुत तमाशा हुआ था, बहुत बवाल हुआ था, विमेन ओरिएंटेड फिल्म है इसलिए उसको बैन कर दिया जाए, इसका कोई मतलब बना आपके दिमाग में, वुमन ओरिएंटेड फिल्म शुड बी बैंड बिकॉज इट इज़ वुमेन ओरिएंटेड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, एनीवे ये सारी चीज़ें होती जाती हैं, समाज के बदलने में बहुत टाइम लगता है और बहुत उथल पथल होता है, मंथन, समुद्र मंथन की कहानी तो हम सब ने सुनी है, उसमें से अमृत निकलता है तो विष भी निकलता है, और कोई शिव चाहिए उसको अब्जॉर्ब करने वाला, हमारे पास आज शिव नहीं है इसलिए हम लोग विष थूक रहे हैं इधर उधर, पर शिव भी आ जाएगा, या हम सब शिव बन जाएंगे, हम इस विष को पचा के आगे बढ़ेंगे। मानसी, इस पर आपकी भी बात, ये जो फिल्मों को लेकर विवाद होते हैं, आप किस तरीके से देखती हैं, खासतौर से एक हालिया विवाद है जो पठान का है, उस पर भी, क्योंकि आप एक्टर हैं इंडस्ट्री में, आप प्रोड्यूसर भी हैं, कैसे देखती हैं, आपको भी कभी कभी डर लगता है कि मैं अपनी फिल्मों में किन संवादों को रखूं, किन कपड़ों को, किन कलर को रखूं? आई थिंक क्या कह रही हो इस पे किसी के पास? यस, एक्चुअली ऐसे थॉट्स राज कपूर जी ने अगर रखे होंगे तो ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू मेक हाफ द फिल्म्स ही मेड, सो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ थॉट वी शुड हैव, बट येस आई थिंक ये जो ट्रेंड है, आई होप ये पास हो जाए, बिकॉज फियर में कोई चीज़ बन नहीं सकती है, एंड सेकेंडली आई फील कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो आपका पर्सनल चॉइस है, उसको आप थोप नहीं सकते किसी और पे कि आप भी इसको मतलब बॉयकॉट करें या कुछ भी करें, एंड आई थिंक सोशल मीडिया में क्या हो गया है कि अब बिकॉज एवरीबडी हैज़ दैट प्लेटफॉर्म, वो सबको लगता है कि हम अपना ओपिनियन डाल देते हैं, फिर वो ओपिनियन जो भी हो, सो आई थिंक वी हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि हमको क्या करना है, एंड नॉट बी रूल्ड और नॉट बी गवर्नड बाई वॉट अदर्स आर सेइंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड ऑल्सो एज अ प्रोड्यूसर, आपने ये क्वेश्चन पूछा, फिल्में बनाना बहुत ही टफ जॉब है, बहुत ही रिस्की बिजनेस है, इतने सारे लोग इससे जुड़े हुए होते हैं, इतना सारा पैसा लगता है, तो सबकी ऐसी इच्छा होती है कि हम जो इतनी मेहनत करें उसका फल अच्छा हो, तो उसे सपोर्ट करना चाहिए राधा की उसके पीछे जाके उसको आप बॉयकॉट करें। और मेरा विचार ये है कि अगर हम फिल्म को का क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, तो अलग बात है और वो करना ही चाहिए, हमारे पास कोई फिल्म क्रिटिक्स नहीं है, आप देख लीजिए ज़्यादातर पेपर्स ने अपने फिल्म क्रिटिक्स को निकाल दिया है, आधे से ज़्यादा पेपर्स कैरी भी नहीं करते कोई रिव्यूज़, नाटक का तो कोई रिव्यू ही नहीं छपता कभी भी, तो हम लोग क्रिटिसिज्म से डरते हैं इन इंडिया, हम लोगों का ये प्रॉब्लम है, हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग से डरते हैं, हम लोग थिंकिंग से ही डरने लगे हैं अभी, सो इस माहौल में चीज़ें बनाना बड़ा कठिन होता जा रहा है, प्रोड्यूसर्स के लिए तो बहुत ही कठिन, हर चीज़ को लीगली पास करवाना पड़ता है कि ये इसके बारे में कोई खफा हो जाएगा क्या, इसके बारे में कोई नाराज़ हो जाएगा क्या, सो दिस इज़ नॉट स्पेस इन विच गुड आर्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, फिल्में बनेंगी, पैसा भी बनाएंगे लोग, मगर अच्छा काम करना ज़रा कठिन हो जाएगा।